आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना मोटर को खोले उसके खस प्लेट खराब है या सही, इसे कैसे पता करें कि बिना खोले मोटर किसी भी मोटर का खस प्लेट कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक्समो का मोटर है ये, आप देख सकते हैं ये टेक्समो का मोटर है। अब इसको हम बिना खोले कैसे पता करेंगे कि इसका खस प्लेट सही है या फिर ख़राब? तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें चाल जो होता है ना इसका शाफ्ट का, वो बहुत कम होता है। तो हम इसे ऊपर उठा के देखते हैं कि इसका खस प्लेट ख़राब है या फिर सही। तो आप देख सकते हैं इसका जो चाल है ये बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका खस प्लेट ख़राब ही होगा, क्योंकि ये अक्सर इसमें बहुत कम ऐसे होते हैं कि इसका खस प्लेट ख़राब हो। चलो हम इसे खोल कर देखते हैं कि इसका खस प्लेट ख़राब है या फिर नहीं। देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये खुल गया है। अब इसके बाद इसको और खोलना पड़ता है, यहाँ पे और एक लंकी लगा हुआ है, इसको भी यहाँ पे खोल देते हैं। देख सकते हैं ये खुल गई, और इसके खस प्लेट को देखते हैं। तो ये रहा इसका खस प्लेट, आप लोग देख सकते हैं इसके खस प्लेट। और हाँ, इसका खस प्लेट ये जो है ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ये जो गुटका है ये लंबा होता है, थोड़ा ये फंसता है उसमें, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इसका साइज है, और ये जो गुटका है, ये जो आपको गुटका दिख रहा है ये दो, ये गुटका इसमें जाकर फंसता है, तो ये भी जो है हल्का हल्का ख़त्म हो चुका है। तो इसे हमें बीड वेल्डिंग में इसे पूरा भरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये गोल के घूम रहा है, जबकि ये घूमना नहीं चाहिए, ये प्रॉपर गोल नहीं घूमता पूरा, इसकी वजह से ये भी ख़राब हो चुका है। इस पर भी हमें वेल्डिंग में जाकर माल भरवाना पड़ेगा, इसको पूरा पैक करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है होल हो चुका है। आप पूरी आसानी से देख सकते हैं ये पूरा घूम रहा है। अब आपको मैं इसी में एक नया जो गुटका आता है, नया जो उसे बोलते हैं हम खस प्लेट, हमारा नया खस प्लेट है, आप इसे देख सकते हैं ये नया है। और इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या कैसा है, आपको पूरी डिटेल में समझ आएगा। आप ये देख सकते हैं इसका जो ये पुराना वाला हमारा है और ये नया वाला, तो नए वाले का ये जो है ये बड़ा बड़ा है, यानी कि ये अभी ठीक है, और ये जो पुराना वाला है ये ख़राब हो चुका है, ये हिस्सा और ये हिसाब देख सकते हैं। अब इसको मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं मैं आपको इसमें लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखो ये फंस गया, ये गोल गोल नहीं घूम रहा है, लेकिन जो हमारा ये पुराना वाला है, ये जो पुराना वाला है ये पूरी तरह से घूम जाता है। तो गुटका फंस गया, एक मिनट इसको पहले लगा लूँ। ये रहा पुराना वाला, और इसको हमने यूँ लगाया, आप देख सकते हैं ये पूरा राउंडिंग घूम रहा है ये, जबकि ये पूरा राउंडिंग नहीं घूमना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खस प्लेट है वो ख़राब हो चुका है। आप चाहें तो इसे रिपेयरिंग में भी करा सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग से अच्छा होता है कि आप इसे नया बदल दें, ताकि बहुत लंबे समय तक चलता रहे। तो
तो मिलते हैं इसी ऐसी वीडियो अमेजिंग वीडियोस के लिए या फिर ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर, तो अब इसे खोल लेते हैं और इसे खोलने के बाद और देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये खुल गया, जी आप देख सकते हैं ये खुल गया। और ये जो हमारा पुराना है खस प्लेट, इसको हम देखते हैं डालते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा राउंडिंग घूम रहा है, आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया मैंने। और ये जो हमारा है नया, तो ये जो नया है हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको दिखाने के लिए ऐसा लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये घूम नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये पकड़ रहा है, और यही ठीक है क्योंकि ये घूमना नहीं चाहिए। अगर ये घूमेगा तो बहुत जल्द खस प्लेट ख़राब हो जाता है। अब आप इसे और ध्यान से देख सकते हैं, ये यहाँ पे कट लग गया है, इसको हमें भरवाना पड़ेगा लेथ मशीन में जाकर या फिर वेल्डिंग दुकान में जाकर बीड वेल्डिंग से, तो ये हो बहुत अच्छा हो जाएगा।